नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता, और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सिंगरौली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर स्वच्छता अभियान में आया बदलाव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी प्रदेश भर में इस स्वच्छता सेवा अभियान को अमलीजामा पहनाने दिए आदेश। कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला ने दी अधिकारियों की बैठक। स्वच्छता अभियान को गांव से लेकर शहर तक सफल बनाने की कवायद। जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश नोडल स्वच्छता अधिकारी ने की बड़ी पहल। ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागियों को किया सम्मानित। कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला ने दिए पुरस्कार। जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश अरविंद झा, अपर कलेक्टर एसडीएम सिंगरौली सृजन वर्मा, आईएएस एसडीएम माड़ा राजेश शुक्ला, डीके शर्मा आयुक्त नगर निगम, ज्वाइंट कलेक्टर संजीव पांडे, माइकल तिर्की डिप्टी कलेक्टर सीएमएचओ डॉक्टर एनके जैन, एमपीबी के एससीआरपी मिश्रा सहित अधिकारी कर्मचारी गण रहे मौजूद। स्वच्छता सेवा अभियान को एक बड़ा मिशन के रूप में पूरे देश में चलाया, प्रदेश में चलाया जा रहा है। तो सिंगरौली जिले में जिस तरह से अभी ऑनलाइन में अभी आपने बहुत सारे प्रतिभागियों को जो ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता में आए उनको इनाम भी दिया गया, तो क्या कुछ अभी और इस पे फोकस कर रहे हैं सर? देखिए, स्वच्छता ही सेवा अभियान हमारा 17 सितंबर से लगातार चल रहा है, जो 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें हमने विशेषकर जो वैसे ब्लॉक स्पॉट थे जहाँ पर गंदगी पड़ी रहती थी, जिसका निराकरण नहीं हो पा रहा था, निस्तारण नहीं हो पा रहा था, ऐसे स्पॉट चिन्हित किए हैं। इसके अलावा प्रत्येक ग्राम पंचायत में, प्रत्येक ग्राम में, प्रत्येक नगरी निकाय के वार्ड में इस प्रकार के कार्यक्रम लगातार कराए जा रहे हैं। लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित किया जा रहा है। जहाँ भी ऐसा लगता है कि गंदगी है, उसका निराकरण कराया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमें जनप्रतिनिधियों का पूरा सहयोग मिल रहा है, इसके आम लोगों का भी सहयोग मिल रहा है, मीडिया का भी सहयोग मिल रहा है, और जहाँ हमारी कहीं कमी रहती है मीडिया हमें उसको अपने माध्यम से हमको बताती भी है, तो उस कमी को भी हम लगातार दूर कर रहे हैं। बच्चों में, नागरिकों में, आम लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए एक ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता भी शुरू कराई है। अभी जो प्रारंभिक प्रतियोगिता हुई थी प्रथम स्तर की, उसमें लगभग 7,000 लोगों ने भाग लिया था। उसमें जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आए थे उसको पुरस्कृत किया गया है। इसके अलावा करीब 13 लोगों को सांत्वना पुरस्कार भी दिए गए हैं, ताकि स्वच्छता के प्रति लोग जागरूक हों और इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें। चतरंगी से खबर समय जगत के लिए रजनीश साहू की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।